नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं आपके कृष्ण तारा कृष्णा शर्मा, आपकी एस्ट्रो माँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रो माँ। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, सीधी बात कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या है श्रृंग दर्शन। तो श्रृंग दर्शन क्या है, कैसे होता है और किस लिए होता है और उसका क्या प्रभाव होता है, सारी चीजें बताएंगे। मगर बात करते हैं पहले राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है कि परिस्थितियों से बेहतर सामंजस्य बनाने में सफल होंगे, नए लोगों से मिलना भाएगा आपको और मित्रों को समय देंगे विद्यार्थी, अच्छा करेंगे, दिन आपका श्रेष्ठ और फलकारक रहेगा। आज आपको क्या करना है, आज जो है विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने के साथ साथ चने की दाल जो है शिवलिंग पर चढ़ा के आना है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, कहता है आवश्यक कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास करें, पारिवारिक मामलों में अनावश्यक दखल से बचें, अपनों की इच्छाओं का सम्मान करें, उतावलेपन से बचें। आज आपको क्या करना है, आज सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, कभी भी कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के करिए, मगर करिएगा जरूर। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है कि भाग्य की का प्रबलता बनी रहेगी और घर में श्रेष्ठ लोगों का आगमन हो सकता है, सामाजिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं, अपनों का सहयोग रिस्क लेने को प्रेरित करेगा। और आज आपको क्या करना है, आज के दिन आपने करना है क्या है, आज जो है अमरूद ले लीजिएगा, अमरूद जो है 5 की संख्या में लीजिएगा, क्योंकि 5 की संख्या में अमरूद जो है कहीं ना कहीं 5 जो है बुध का भी होता है, नंबर होता है, तो आपने 5 की संख्या में अमरूद लेने के बाद कन्याओं में बांटना है। वही कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है, उत्सव आयोजन में रुचि लेंगे, धन धान्य में वृद्धि संभव है, अच्छे होस्ट बनेंगे और दिन आपका श्रेष्ठ फलकारक रहेगा। आज जो है मीठा कुछ खा के घर से बाहर निकलेंगे तो बेहतर होगा, दही चीनी खा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है समय उत्तरोत्तर शुभ कारक रहेगा, निवेश के शुभ परिणाम शीघ्र मिल सकते हैं, नवीन प्रयासों को बल मिलेगा, आपके करीबी सहयोगी आपके साथ रहेंगे। और आज आपको करना क्या है, आज के दिन आपने करना क्या है, मस्तक पे आपने अष्टगंध का तिलक लगाना है और परफ्यूम लगाना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है अनावश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने का प्रयास करें, कार्यों को करने में देरी ना करें, आय व्यय बढ़ा हुआ रहेगा, दिन सामान्य शुभ कारक रहेगा, विवाद से बचे। आज जो है कबूतरों को चावल मीठी चीनी के साथ में भाई मिक्स करके डालेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो जी मैम, जय माता जी। जय माता जी, जी स्वागत है आपका। जी मेरा नाम मनोज राम यादव है सर। जी जन्म तिथि जन्म समय। जी जन्म तिथि जन्म समय तो नहीं मालूम। मनोज जी पूरा नाम क्या रखते हैं? जी मनोज राम यादव। जी आप सवाल पूछिए। जी मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मैं मतलब जैसे हम यहाँ लखनऊ में मतलब वैसे काम ड्राइवरी प्राइवेट ड्राइवरी कर रहे हैं मैम, तो मतलब हमारा घर बन पाएगा कि नहीं, और अब्बा भी कैसा रहेगा। मनोज जी आपके नाम से तो सिंह राशि है जो आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करती है। और दूसरी चीज, एक चीज हाँ बता दे, आपने बात की है कि आप ड्राइविंग में जो काम कर रहे हैं उसी में जो है अभी भी आगे जो है थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और अभी मकान का यहाँ पर योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है और मकान के लिए भी थोड़ा सा विलम्ब है, हो सकता है दो ढाई साल और लग जाए। और यहाँ पर जो है आपके लिए है कि आप एक उपाय करा करें, आपके लिए बेहतर होगा वो हनुमान जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, पवन सुत हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए बेहतर होगी। और एक चीज और है, कभी भी शराब वगैरह ना पिए वरना आपके कामकाज पे असर पड़ेगा, शनिवार और मंगलवार के दिन तो विशेष तौर से ना पियो क्योंकि वो आपके कामकाज में दिक्कत डालेगा। और जो धन एकत्र करने की बात है, धन एकत्र होगा तब जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे फिर तभी मकान बनेगा। तो ये है कि आप ये उपाय कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। जय महादेव। शोभा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। हेलो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ जी। हमने पूछना लड़की के बारे पूछना है। हाँ उनकी उसकी जन्म तिथि जन्म समय 17 सितंबर 1972 जी। और समय बताइए। रात 12 बजने में 5 मिनट कम। जी सवाल पूछिए। वो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रही है तो वो स्कूल वाले जो है वो पैसे मांग रहे हैं, तो बताइए कि वो पैसे देने पर नौकरी मिलेगी या नहीं।
चलिए बिल्कुल, यहाँ पर हम बता देते हैं और दशाओं के अनुसार पहले ये देखेंगे कि हमारी दशा कौन सी चल रही है, क्या ऐसी दशा हमारे लिए लाभकारी है। अभी जो जैसे इसकी दशा जो चल रही है वो राहु की चल रही है, बिल्कुल नहीं आपको देना है, क्योंकि आप देंगे उसमें कोई गारंटी नहीं है कि जॉब जो है वो दिलवा दे। अष्टम भाव में यहाँ पर जो है राहु संचार भी कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ऐसी चीजें ना करें जिसकी वजह से जो है इसको जॉब तो मिलेगी नहीं, पैसे भी चले जाएंगे। यहाँ पर अपने मेहनत और बलबूते पे ही इनको अपनी जॉब मिलेगी, और साथ ही इनको अपने राशि के स्वामी यहाँ पर देखते हैं गुरु को थोड़ा सा प्रबल बनाना है। धनु राशि के हैं, गुरु की पूजा आराधना के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा आराधना करा करें, पुखराज रत्न धारण कर लीजिए, इनके लिए बेहतर होगा। जो है जॉब अपने आप ही लगेगी, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जय महादेव। कल्पना हमारे से जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो कल्पना जी, लगता है संपर्क नहीं हुआ, दूसरे कॉलर से बात करते हैं। अखिलेश जी से बात कर लेते हैं। अखिलेश जी स्वागत है आपका। हेलो गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1981। और समय बताइए। समय है सुबह 5:45 और प्लेस ऑफ बर्थ है बस्ती उत्तर प्रदेश। ये जी बताइए जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो मेरा मेरे करियर को लेकर, क्या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हमारा सिलेक्शन होने का चांस है? चलिए बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन है, हमें क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी? अभी आप जॉब कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। आप गवर्नमेंट के लिए भी जो है अप्लाई करिए, क्योंकि आपके यहाँ पर देखते हैं लगन भाव में सूर्य बुध और शुक्र मंगल और चंद्र, यानी कि आपकी राशि जो है मेष है, लगन भी आपका मेष है, और आपने बात किया है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जरूर जो है आप जो है मेहनत करते रहिए, आपको अप्लाई जो अगर करते हैं तो अच्छा रहेगा। आप जो है ट्यूशन का भी अपना जो है सेंटर खोल सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। आपने बात की है संतान के लिए, संतान के लिए यहाँ पर पुत्र रत्न की बात की है, बेटा हो या बेटी मगर जो है अच्छी संतान होनी चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर है होगा जरूर, मगर जो है अभी थोड़ा विलंब है। साथ ही आपके लिए यहाँ पितरों के नाम का दान पुण्य करा करें, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी पितरों की कृपा हमारे पर नहीं बनी है, जिसकी वजह से आपके भाग्य में थोड़ा सा पुत्र प्राप्ति में थोड़ा सा यहाँ पर रुकावट आ रही है, तो पितरों के नाम का दान पुण्य करें बेहतर होगा। जय महादेव। किरण हमारे से जुड़े हुए, स्वागत करते हैं। हेलो नमस्ते मैम। नमस्कार। जय महादेव बेटा। जय महादेव। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। जन्म तिथि, जन्म समय? उनका 26 अगस्त। हम्म। और 71। समय बताओ। समय तो नहीं पता मैम, दिन का रात का वो तो नहीं पता मुझे मैम, बस उनका भविष्य जानना है मुझे। हाँ चलो पूछो। चलिए भविष्य के लिए यहाँ पे बात किया, तुला राशि के हैं, और साथ ही यहाँ पर आपने बात किया कि भविष्य के लिए एक चीज यहाँ पर देख रही हूँ जो इनके कुंडली में जो दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर भविष्य के लिए इनको शुक्र को थोड़ा सा प्रभावित करना पड़ेगा। शुक्र की चीजों को यानी कि अपनाने के साथ साथ जो है शुक्र की चीजों का दान पुण्य करना। शुक्रवार के दिन इनको बोला करें कि खीर बनाकर उसमें थोड़ा केसर डालकर अगर जो है महालक्ष्मी की पूजा आप कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपके पति के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। दशा अभी इनकी शनि की चल रही है, तो शनि की महादशा के लिए ना शनिदेव की पूजा आराधना करने के साथ ही पीपल वृक्ष पे शुक्रवार के दिन तो विशेष तौर से मीठा जल चढ़ाया करें, और शनिवार के दिन जो है शनिदेव की पूजा आराधना करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इनके लिए इनके भाग के लिए अच्छा रहेगा। जय महादेव। नीलू हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी मैडम, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए, सबसे पहले जन्म तिथि, जन्म समय। मेरा 5 नवंबर 1970। और समय बताइए। समय है 6:45 AM। जी बताइए क्या पूछना चाहती है। जी मैडम, मैं अपनी हेल्थ के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे को डेंटल की प्रॉब्लम आ गई है, तो वो ऑपरेशन होगा तो वो कैसे रहेगा, ठीक हो जाएगा या कितना कष्ट पड़ेगा शरीर को, क्या उपाय करें? चलिए डेंटल के लिए यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं गुरु की अभी महादशा चल रही है, अब गुरु को देखते हैं गुरु कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीचे सो के बैठा है, तो कहीं ना कहीं गुरु की राशि जो है छठे भाव में यहाँ पर संचार कर रही है, तो आपके लिए यहाँ पर एक चीज बताएंगे। और बुध कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि हम जब दांत की बात करते हैं तो बुध का प्रभाव दिखाई देता है, तो यहाँ पर वो आपके लगन भाव में बैठा हुआ है, तो आपके लिए एक चीज बताना चाहेंगे कि गुरु की चीजों का यानी कि आप जितना इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और गेहूं जो है,
तांबे के बर्तन में आपने जो है ये इसलिए कह रहे डेंटल की तो वो जो है आपको डॉक्टर ही इलाज मिलेगा, मगर ये चीज है कि आगे के लिए स्वास्थ्य आपका ठीक रहे और जो भी आप इलाज ले रहे हैं उसमें जो है आपको सफलता प्राप्त हो, ये चीज मैं बता रही हूँ और कुछ नहीं। तो आपने जो है लाल रंग की चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें, अच्छा रहेगा। और जो है गेहूं जो है आपने तांबे के बर्तन में रख के आपने गाय को खिलाना या शिव जी के मंदिर में जाके तांबे के बर्तन के साथ छोड़ के आइए तो आपके लिए बेहतर होगा। और आने वाले समय में यहाँ पर गुरु की जो महादशा चल रही है तो गुरु की चीजों का दान पुण्य करना और साथ ही हल्दी डालकर स्नान करना अंदर से ज्यादा प्रबल बनाता है, बहुत अच्छा रहेगा कि आपके लिए जो ऑपरेशन वगैरह जो भी बोला डॉक्टर ने दांतों का उसमें जो है आपका जो ऑपरेशन है वो सफलता पूर्वक आपको उसमें सफलता मिलेगी और अच्छा रहेगा। जय महादेव। अनीता हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत करते हैं। हेलो, जय महादेव माँ। जय महादेव। मुझे अपनी लड़की के बारे में पूछना है माँ। उनकी जन्म तिथि, जन्म समय? 31 जनवरी 1993। और समय बता दो। सुबह के 5:04। मुझे ये पूछना है कि इनकी जॉब कब तक लगेगी और सरकारी लगेगी नहीं? जी बिल्कुल, हाँ यहाँ पर एक चीज बताइए, बिल्कुल बोलो। इसके जो है 90% चांसेस है सरकारी जॉब के। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दसम भाव में गुरु की राशि संचार कर, गुरु जो है गुरु की राशि संचार भी कर रही है, साथ ही बुध की राशि भी है, तो दोनों ही मिला के ये कह सकते हैं गुरु को भी प्रबल बनाएंगे हम, बुध को भी प्रबल बनाएंगे। यहाँ पर लगन में यहाँ देखते हैं तो इसके जो लगन है वो धनु लगन का है, और राशि का अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि है। तो इसको बोलिए जरूर गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल जो है अपनी बेहतरी करे, अच्छा रहेगी तो अच्छा रहेगा। आने वाले समय में इसकी जॉब के योग भी बनेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि बुध 22 डिग्री होके बैठा है, मंगल जो 16 डिग्री होके बैठा है, वो भी वक्री होके बैठा है, तो जो है गोमेद रतन धारण कर लेते हैं। और साथ ही गोमेद जो राहु के लिए है और यहाँ मंगल के लिए, इनको मूंगा पहनने के लिए बोल दीजिए। अगर गोमेद ना भी पहने तो मूंगा जरूर पहन लीजिए, तो इससे जो है मंगल हमारा प्रभावित रहेगा और राहु की जो चीजें जो इसमें अड़चन आ रही है वो दूर हो जाएगी। उसके लिए उपाय कर लीजिए। उसके लिए उपाय क्या करना है, बाजरा जो है पक्षियों को डालना है जिसमें जौ मिला के, ये चीजें कर लेंगे बेहतरी रहेगी और आने वाले समय में जॉब के योग बनेंगे। जमा दे तुला राशि वालों, आपके लिए आज का दिन क्या कह रहा है सुन लीजिए। आपके लिए आज का दिन कहता है कि आपके प्रयासों को समर्थन और सहयोग मिलेगा, लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी, मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर भी आपके बन सकते हैं। भाई आज आपको क्या करना है, आज जो है आज गहरे रंग के वस्त्र ना पहने, आपके लिए फिरोजी कलर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, पिंक कलर फिरोजी कलर ये पहनेंगे तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है कि भाग्य की प्रबलता बनी रहेगी, लेकिन इसके भरोसे बैठे रहने से तो अच्छा है कि प्रयासों में तेजी लाए, साक्षात्कार से सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और सफलता के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए तो बहुत अच्छी है, भाई हनुमान जी की पूजा आराधना करिए और शंकर भगवान मिल जाए तो उनके ऊपर जो है थोड़ा सा आपने गंगा जल से अभिषेक कर दीजिएगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है कि महत्वपूर्ण प्रयासों में तेजी लाए, बाधाएं खुद ही दूर होती नजर आएंगी और आस्था और आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, शुभ सूचना की प्राप्ति भी संभव है। और आज आपको क्या करना है, अच्छी सूचना मिले इसके लिए महालक्ष्मी की पूजा आराधना के साथ में गाय को रोटी दीजिएगा और मुख्य द्वार पे आपने देसी घी का दीपक जलाना है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है भूमि भवन एवं स्थाई से जुड़े मामलों को तेजी से पूरा करें, सुखद सरप्राइज भी आपको मिल सकता है, बोलने की अपेक्षा पर दिखाने में विश्वास रखें तो अच्छा रहेगा, कि ज्यादा ना बोलें दिखाएं ज्यादा, प्रैक्टिकल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज आपको क्या करना है, आज एक सफेद रंग का रुमाल रख लीजिएगा, उस पे आपने क्या हल्दी से, आपने हल्दी और कुमकुम दोनों से जो है थोड़ा सा तिलक लगा दीजिएगा बस कोने पर, आपके लिए बेहतर रहेगा। और लाल रंग का पेन लीजिएगा जो अपने पास रखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है मेहनत रंग लाएगी, सफलता और का प्रतिशत बढ़ा आपको मिलेगा, घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, जीवन साथी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, भाई कैसे खरा उतरेगा, ये कोई परीक्षा लेने का समय थोड़ी है, खरा उतरेगा। तो आज आपको क्या करना है, आज जो है मिश्री और इलायची का भोग किसको लगाना है, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को लगाना है और जो भी घर में है उसे प्रसाद के स्वरूप में देना है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कहता है परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने तक विश्राम से बचे, प्राथमिकता कार्यों को शीघ्रता से पूरा करें, ढिलाई और लापरवाही कार्य प्रभावित कर सकते हैं। आज जो है गणेश जी को नीले फूलों की माला चढ़ा दीजिए, साथ ही लड्डू का भोग लगा दीजिए तो आज का दिन आपके लिए भी बेहतर हो जाएगा। भाई ये था हमारी 12 राशियां, उसके ऊपर हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं, मीरा हमारे साथ जुड़ी हुई, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा, हम अपने दूसरे कॉलर से बात कर लेते हैं। मनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो मनदीप जी, स्वागत है। कामना जी से बात कर लेते हैं, कामना जी स्वागत है। हेलो
भाई जो है हमारे कॉलर लग रहा है बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से नहीं हो संपर्क हो पा रहा, कोई बात नहीं, मगर हम बात कर लेते हैं। हमने बात की है श्रृंग दर्शन क्या होता है और कैसे करना चाहिए। तो श्रृंग दर्शन यानी आपने जब भी शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग होते हैं परिक्रमा लगाते हैं और नंदी के बीच में से भी जो है लगा के चले जाते हैं, नंदी बेचारे पीछे रह जाते हैं। जब शंकर भगवान को खुश करना है, आप देखिए किसी भी बड़े ऑफिसर से मिलते हैं तो उसके पीए को जो है खुश करना होता है, उसी तरीके से नंदी है, आप उनको खुश रखेंगे तो सही रहेगा। शिव जी के जब भी परिक्रमा लगाएं तो आधी परिक्रमा लगाएं, उसके बाद नंदी के सींग के ऊपर अपने एक अंगूठा और उसके बाद तर्जनी उंगली रखना है। इसको रखने के बाद इसके बीच में से आपने शिवलिंग के दर्शन करने हैं। इस दर्शन से आपको शिव की कृपा प्राप्त होगी और जो लोग चाहते हैं शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और शिव के द्वारा उनके घर में सारे कार्य पूरे होते रहे, तो वो लोग इस तरीके के अगर दर्शन करते हैं, जब आप पूरा पूजा कर ले उसके बाद ऐसे दर्शन करते हैं, तो यकीन मानिए आपके दर्शन पूर्ण रूप से कम्प्लीट हो जाते हैं, आपकी पूजा भी कम्प्लीट हो जाती है। एक कॉलर हमारे से जुड़े हुए, मीता हमारे से जुड़े हुए, स्वागत करते हैं। हेलो जी, प्रणाम माँ। प्रणाम जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 69 और समय बताइए। दिन बुधवार का है और सुबह के 8 बजे के आसपास है। जी सवाल पूछिए। जी मेरा माँ ये पूछना था कि पहला कि मेरे पति का ट्रांसफर कब तक होगा, क्योंकि माँ उसका हम लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अभी। और दूसरा एक बच्चे के लिए, मैंने अपनी बहन के बच्चे के लिए आपसे पूछा था 22 दिसंबर 2007 का उसका पूछा था, उसके वो स्थिरता नहीं रहती उसमें, तो उसके बारे में पूछना था। उस दिन आपने बताया था उपाय, पर मैं जल्दी जल्दी में नोट नहीं कर पाई थी माँ। मैं आप बहन के लिए फिर कभी पूछ लेगा, मगर अभी मैं आप ही के लिए बताऊंगी, क्योंकि बहन के लिए जो है जब सवाल हमने अपने लिए पूछा है, इस समय आपके पति का सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बहन का सवाल अभी हम नहीं कह सकते हैं, उनके लिए मैं बता दूंगी। और साथ ही यहाँ पर आपके लिए मैं बताना चाहेंगे कि आपके पति के लिए यहाँ पर जो है चंद्रमा का थोड़ा सा उपाय कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि चंद्रमा का उपाय करने से पति के जो जॉब वगैरह में तरक्की के साथ में ट्रांसफर वगैरह का भी कुछ ऐसा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो साथ ही आपकी राशि के स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ राशि का, आप जो है शुक्रवार का व्रत पूजा आराधना के साथ साथ आप गाय को जब भी रोटी खिलाए शुक्रवार के दिन खिलाए, बाकी दिन खिलाए या ना खिलाए, मगर शुक्रवार के दिन जब भी खिलाते हैं तो आपने जो है उस पे घी और चीनी रख के जरूर खिलाया करें, क्योंकि शुक्र हमारा प्रबल रहेगा और शुक्रवार के दिन ही बरगद के पेड़ पे भी मीठा जल चढ़ा दिया करें, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास वहां पर ज्यादातर रहता है। कुल मिला के इनके योग बनेंगे, मगर चंद्रमा के लिए उपाय करना आपके लिए बेहतर होगा। चंद्रमा के लिए अपने पति को बोलिएगा ये उपाय करना क्या है, हर यानी सोमवार के दिन शंकर भगवान पे दूध तो चढ़ाने के साथ साथ चंद्रमा का एक उपाय और करना है कि चावल जो है कबूतरों को डाला करें, इनके लिए बेहतर होगा। जय महादेव। यशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो शशि जी, स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते मैम। नमस्कार बेटा। मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है माँ। उनकी जन्म तिथि, जन्म समय? 4 मार्च 1998 दोपहर को 3:15। 1998 माँ। अच्छा अच्छा, दोपहर को 3:15 जी। हाँ सवाल पूछिए। सवाल मैम, इन्होंने 12वीं का एग्जाम दिया है, अब इनको किस क्षेत्र में भेजे, इन्हें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और दूसरा इनको पूरा पूरा पढ़ाई कर, मतलब पूरा पूरा पढ़ाई से सफलता नहीं मिलती मैम। चलिए पढ़ाई के लिए यहाँ पर तो जो हमारा चंद्रमा जब हमारा कमजोर होता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं इसके लगन भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी यहाँ चंद्रमा देखते हैं 07 डिग्री होके बैठा, मूल त्रिकोण होके बैठा है। इसको जो है मोती रतन धारण करवा दीजिए, सोचने समझने की और रास्ता दिखाई देगा कि हमें जो है किस लाइन में जाना है और किसमें हमें सफलता मिलेगी, तो वो चीज इसके लिए अच्छी रहेगी। अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और है, गवर्नमेंट जॉब के भी योग बनेंगे, मगर इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर जो है इसकी राहु की मादा से चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भटकाव होता है बीमारी का भी कहीं कहीं इसका स्वास्थ्य पे भी असर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर राहु का उपाय करने के लिए इसको बोले बाजरा और बाजरे के साथ में सतनजा जो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सतनजा या बाजरा, ये इसमें जो है चीनी जरूर मिलाया करें, चीनी मिलाने से हमारा जो है चंद्रमा और शुक्र दोनों ही प्रभावित होता है। आने वाले समय में इसकी जॉब के योग तभी बनेंगे, ये उपाय भी करें अच्छा रहेगा, और जैसे मैंने बताया मोती रतन धारण करवा दीजिए। जय महादेव। भाई लकी टिप क्या कहता है, आज का हमारा लकी टिप कहता है कि लकी टिप ये है कि बच्चों के खाने और पीने के पदार्थ में पीले रंग का जितना आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो केसर हो या फिर हल्दी हो, तो इससे जो है गुरु और ज्यादा प्रबल हो जाता है, और इससे जब गुरु प्रबल होता है तो पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए मस्तिष्क में गुरु की जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो बच्चा पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा उन्नति करता है। तो ये था आज का हमारा लकी टिप।
तो कल एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं ज्योति सचार किस तारा कृष्ण शर्मा आपकी एस्ट्रो माँ आप चाहती हूँ आपसे इजाजत। जय जय महादेव।